हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल। हमने चैप्टर लिया है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, क्वेश्चन नंबर 4.4। इसके पहले के सभी क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, ठीक है। अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज ए करेंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ये हमारा वायर है स्टूडेंट, ठीक। ये वायर है हमारा, ठीक, जिसमें 90 एम्पियर करंट ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। ये जो हमारी लाइन है इससे 1.5 मीटर बिलो लेना है, ठीक। तो इससे बिलो हमने ले लिया, तो यहाँ डायरेक्शन देखो स्टूडेंट, डायरेक्शन हमारी ऐसे होगी। ये हमारा है ईस्ट टू वेस्ट, ये हमारा होगा नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर। यानी अगर ऐसे बन रहा है, इसको हेड मानेंगे, ऐसे बन रहा तो मतलब नॉर्थ टू साउथ बनेगा, ठीक है। और अगर ऐसे बन गया अपोजिट तो साउथ टू नॉर्थ बनेगा। और इधर अपर डायरेक्शन है, इधर लोअर डायरेक्शन है, आप ऐसे ही इसको समझेंगे। करंट हमारी दी हुई है, करंट इन वायर आई इज इक्वल टू 90 एम्पियर, और हमने लेट कर लिया। एक पॉइंट पी है, 1.5 मीटर बिलो है वायर से, तो R हो गया ये हमारा, R इज इक्वल टू 1.5 मीटर। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमने B लिया हुआ है, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमने वेक्टर लगा दिया है। फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो फार्मूला वही लॉन्ग वायर का हम लोग यूज करेंगे। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π 10⁻⁷। ये नीचे है 2π, आई हमारा दे रखा है 90 और आर हमारा है 1.5, ठीक। 4π से इसको हमने डिवाइड कर दिया स्टूडेंट, ऊपर आ गया 2, ठीक, ये कट गया, 2 2 जा 4 हो गया, ऊपर आ गया 2। और इसको हमने 1.5 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 60 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो आ गया 120 10⁻⁷। यानी B इज इक्वल टू हमारा आ गया 1.20 10⁻⁵ टेस्ला। हमने यहाँ पॉइंट लगाया 1 2 2 प्लेस लेफ्ट हमने किया, तो पावर यहाँ 2 प्लस का होगी, -7 + 2 का -5 हो जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन देखो स्टूडेंट, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ठीक। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग वही लगाएंगे राइट हैंड पाम रूल, ऐसे। अब राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है, करंट थंब से हमारी ऐसे अगर हम लगा लें देखो, तो यहाँ पे हमारा सपोज कर लो पॉइंट है, करंट ऐसे जा रही तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। अब अगर हमारा पॉइंट ऐसे हो गया, देखो करंट ऐसे, देखो इससे निकल रही है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पाम के ठीक परपेंडिकुलर अपर डायरेक्शन में होगा। तो अपर डायरेक्शन में कौन होगा स्टूडेंट, हमने बताया ना कि इधर होगा नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ इधर साउथ इधर बनेगा, तो डायरेक्शन बनेगी हमारी नॉर्थ टू साउथ। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड हैंड पाम रूल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ एट पॉइंट पी। यानी जो हमारी डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ होगी, यानी इन साइड में नॉर्थ और अपर साइड में साउथ होगा, तो नॉर्थ टू साउथ होगी। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकालो, ऐसे करंट देखो इससे जा रही तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, ऐसे। ठीक, तो ऊपर अपर, नीचे डाउन, और इन साइड में नॉर्थ, इन साइड में नॉर्थ, आउट साइड में साउथ होगा। तो हमारी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।